Hemen anlayacağız. Oradan Dalyan Bacan geliyor. थैंक यू। तो हमें बोलना चाहिए आपको, आप पहली कंटेस्टेंट है जो कार्टव्हील करके यहाँ पहुंची है। ओके अन्विशा जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, प्यार देते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं। तालियां बज जाएं जोरदार। सचमुच मेरे सामने हाथ से कर बैठ गए हैं बहुत ही चुलबुली कार्टव्हील करती हुई अन्विशा त्यागी जी। ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं और ये वसई महाराष्ट्र से आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। अन्विशा, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बस यही पूछने वाला था कंपेनिंग ग्रुप में किससे लाएंगे आप, अपने माता पिता को लाए हैं? हाँ जी। ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज जी और कविता जी, तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ऑलराइट अन्विशा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करने के, लेकिन हमें आज खेलना है खेल। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके अन्विशा जी रेडी? पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार की टॉफी नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ स्वीट और कैंडी? ए लॉलीपॉप, बी चॉकलेट बार, सी समोसा, डी कॉटन कैंडी। सर प्लीज ब्लॉक ऑप्शन सी समोसा। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बड़ा आसान सा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स अन्विशा जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी संख्या पूरी तरह से 2 और 3 से विभाजित होती है? विच ऑफ दीज नंबर्स इज फुली डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3? ऑप्शन सुनिए, ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। 4, 6, 8 या 10? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 6। बी पे ताला लगा जाए। वेल डन अन्विशा। सर एक सीक्रेट बताओ? हाँ। एक्चुअली मम्मी है, मेरी मम्मा ना मैथ की टीचर है अपने स्कूल में। बट क्या है मम्मी, हमेशा कान में बोलिएगा। मेरी मम्मा ना मैथ की टीचर है और ना क्या होता है कि वो हमेशा फोर्स करती रहती है कि मैथ्स का रिवीजन क्या करो, मैथ्स का रिवीजन क्या करो। पर क्या है, मुझे पसंद नहीं है मैथ, मतलब पसंद है बट इतना ज्यादा वो नहीं है उसमें। ओके, हमारे आपके बीच में बात रही। सुन लिया सर, उन लोगों ने सुन लिया है? सुन लिया जनता ने? मैंने कुछ नहीं सुना, अब सुनने वाली है। इन्होंने क्या बोला हमारे कान में कि इनकी माता जी मैथ की टीचर है, मैथ पढ़ाती रहती है बार बार, लेकिन कहती है कि तुम पढ़ती नहीं हो ठीक से, इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारी मैथ थोड़ी सी वीक है, लेकिन मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, डोंट वरी। ओके ऑलराइट, आ गया है 5वां प्रश्न खेल का पहला पड़ाव, इसका मूल्य है 10,000 पॉइंट्स। रेडी अन्विशा? 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से क्या प्रभु देवा अभिनीत एक हिंदी फिल्म के शीर्षक का नाम है? Which of these refers to the title of a Hindi film starring प्रभु देवा? ऑप्शन सुनिए, ए LMNO, बी ABCD, सी HIJK, डी WXYZ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी ABCD। खिल खिलाते हुए बोल रहे हैं, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। इसे रेमो डिसूजा ने निर्देशित किया था, बहुत ही प्रख्यात ये एक कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा। ऑलराइट, अब देखिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न और जैसा कि आपने सुना होगा गेम रूल्स में, अब आपको 60 सेकंड्स मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में। 7वां प्रश्न 40,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। यदि आप रूबल में कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो आप संभवतः इनमें से किस देश में होंगे? इफ यू आर बाइंग समथिंग इन रूबल्स, इन विच ऑफ दीज कंट्रीज वुड यू मोस्ट लाइकली बी? ओके ऑप्शंस, ए जर्मनी,
बी रशिया, सी इजिप्ट या डी जापान। जर्मनी, रूस, मिस्र या जापान। लाइफलाइन शांत हो जाइए। डीजे बाबू शांत हो गए हैं और चारों लाइफलाइन जीवित है। कौन सी लीजिएगा? 50-50 ओके, 50-50 को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और जो दो गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दीजिए। जर्मनी मिट गया, बचा है रशिया और जापान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी रशिया। रशिया पे ताला लगा जाए बी। बिल्कुल सही जवाब दिया। थोड़ा रनमिशा जी, चलिए खेल की ओर। नवा प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा अक्टूबर 2022 तक के संदर्भ में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बीच इनमें से क्या समानता है? विच ऑफ दीज इज कॉमन टू द प्राइम मिनिस्टर of the UK and the Vice President of the USA as of October 2022. Option suniye: A, both are women; B, both are below 40 years of age; C, both are men; D, both are of Indian descent. Dono mahilaen hain, dono ki umr 40 varsh se kam hai, दोनों पुरुष हैं या दोनों भारतीय मूल के हैं? मेरे को आंसर पता है, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। सर लगा दीजिए ऑप्शन डी पे ताला लगा दीजिए। डी पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। वेल डन अनुशा जी। 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर। ये रहा आम की इनमें से किस किस्म का नाम हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुए एक प्रसिद्ध युद्ध का भी नाम है? विच ऑफ दीज वराइटीज ऑफ मैंगोज शेयर्स इट्स नेम विद अ फेमस बैटल फॉट बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। ओके, ऑप्शन सुनिए: ए दशहरी, बी चौसा, सी मालदा या डी बादामी। मैंने ये कहा, कहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। लाइफलाइन, ऑलराइट। दो हैं आपके पास, ऑडियंस बोल है और आज द एक्सपर्ट। सर मुझे पता है ऑडियंस को आम बहुत पसंद है, तो मैं ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, ऑडियंस जिताना मेरे को। ऑडियंस बोल को अंकित कर दिया जाए। बड़ी आ गई आपकी ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न आपने सुन लिया, एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूँ। आम की इनमें से किस किस्म का नाम हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुए एक प्रसिद्ध युद्ध का भी नाम है? ए दशहरी, बी चौसा, सी मालदा या डी बादामी। और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा 50-50% दिया है बी को। क्या कीजिएगा बताइए? ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? ऑप्शन बी चौसा को ताला लगा, बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। अब चलते हैं 12वें प्रश्न पर। 12,50,000 पॉइंट्स। रेडी अनुशा? आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार एक लव्य के पिता का नाम क्या था? According to the Mahabharat, what was the name of Eklavya's father?
ऑप्शन सुनिए, ए हिरण्यधनुष, बी कंक, सी कीच या अंग्रेजी में लिखते हैं कीचिका या कीचक, डी पराशर। नहीं पढ़ा है मैंने ये भी। फिर भी हिरण्य धनुष की तरफ थोड़ा सा जा रहा है, बट रिस्क। लाइफलाइन। ऑलराइट, आखिरी बची हुई लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दीजिए। ज्ञान जी, आज के एक्सपर्ट हमारे, जैसे कि हमने बताया था, अर्चना गरोडिया गुप्ता जी हैं, तो इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। अर्चना जी, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अर्चना जी, अन्विषा एक प्रश्न पर अटक गई, आपसे उत्तर मांग रही है। उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके चार ऑप्शन है, आपको बताना है सही उत्तर क्या है, और इसके लिए आप 45 नहीं 60 सेकंड मिलने वाले हैं आपको, ठीक है? अगली आवाज अन्विषा जी की। अन्विषा, आपका समय शुरू होता है अब। मैम, महाभारत के अनुसार एकलव्य के पिता का नाम क्या था? अकॉर्डिंग टू महाभारत, व्हाट वाज द नेम ऑफ एकलव्यस फादर? ए हिरण्यधनुष, बी कनक कंक, सी कीचक, डी परसारा या पराशर। पराशर। अन्विषा, इसका जवाब है हिरण्यधनुष। बाकी तीन भी महाभारत के पात्र हैं, तो कंक है, युधिष्ठिर ने नाम अपनाया था अज्ञातवास के दौरान। कीचक अज्ञातवास में विराट के ब्रदर इन लॉ थे जिनको भीम ने उनका वध किया था, और ऋषि पराशर हैं वो वेद व्यास के पिता थे। तो हिरण्यधनुष है निषाद थे और एकलव्य के पिता। ओके, थैंक यू मैम। सो सर, ऑप्शन ए हिरण्यधनुष को लॉक कर दिया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। और देखिए, हमने बताया था ना आगे पीछे इतिहास का भी बारे में उन्होंने बता दिया, बता दिया। इतनी गुणी हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अर्चना जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए अर्चना जी के लिए।